मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानते अपने नुमाइंदों से, कराची से तफसीला जानेंगे। मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलीम, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह आज कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त कराची की मेमन मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से अहले सुन्नत जमात का मरकजी जुलूस बरामद हो चुका है। इस जुलूस में छह मजीद जो है वो छोटे बड़ी जुलूस जो है वो कनेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर ये जो है वो निश्तर पार्क में रवायती रास्तों से होता हुआ जलसे की शिकल अख्तियार कर जाएगा। मैं इस वक्त मेमन मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जुलूस अपने रवायती रास्तों से रवा दवा है। आज से कुछ देर कबल ये जो है वो अहले सुन्नत जमात अहले सुन्नत कराची के अमीर शाह अब्दुल हक की सरबराही में जुलूस रवाना हो चुका है। इस वक्त मेरे अकब में आपको नजर आ रहा होगा कि एक मजीद जुलूस जो है वो रवायती रास्ते से होता हुआ निश्तर पार्क की तरफ रवा दवा है। इस जुलूस में छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने हरी पगड़ियां पहनी हुई है और जो है वो नालायन मुबारक का बैज सीनों पर सजा हुआ है। हरे झंडे उन्होंने जो है वो जमात अहले सुन्नत के उठाए हुए हैं और हर तरफ यही वो जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक पढ़े जा रहे हैं और उनके शान में जो है वो नातें चलाई जा रही हैं। बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं, लंगर लिहाज तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, खवातीन भी इस जुलूस में शरीक हैं। लोगों में जो है वो लंगर लिहाज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। पानी के मुख्तलिफ अकसाम है सबील के जो वो लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे अकब में आपको नजर आ रहा होगा कि ऊंट भी सजाकर इस जुलूस में शिरकत के लिए लाए गए हैं। बड़े बड़े ट्रक्स में जो है वो न्याज की देगें भर के लाई जा रही हैं। जी, न्याज की देगें भर कर लाई जा रही हैं। मोहम्मद सलीम, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।